राजधानी लखनऊ में आज 11/4/2023 11 अप्रैल 2023 को वर्ल्ड पार्किंसंस डे के उपलक्ष्य में न्यूरोलॉजी विभाग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा संगोष्ठी का संस्थान की निदेशक प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद के नेतृत्व में आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में पार्किंसंस रोगियों व उनके तीमारदारों के साथ एक सामाजिक संपर्क करके पार्किंसंस रोग व उनसे उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा करके मरीजों के प्रश्नों का समाधान किया गया। संगोष्ठी का आरंभ एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर दिनकर कुलश्रेष्ठ ने पार्किंसंस रोग के रोगियों व उनके तीमारदारों का स्वागत व धन्यवाद के साथ किया। डॉक्टर दिनकर ने पार्किंसंस रोग के लक्षण, कारण व उपचार पर प्रकाश डाला। डॉक्टर अब्दुल कवि एसोसिएट प्रोफेसर न्यूरोलॉजी विभाग द्वारा पार्किंसंस रोग से जुड़ी सामाजिक भ्रांतियों को उजागर किया। रोगियों के शैल्य चिकित्सा के इलाज के बारे में बताया। योग गुरु डॉक्टर ओम नारायण अवस्थी ने पार्किंसंस में योग के महत्व को बताया, योग विधाओं का प्रशिक्षण दिया। PMR विभाग के प्रोफेसर व विभागाध्यक्ष डॉक्टर VS गोगिया व उनके सहयोगी डॉक्टर जावेद असिस्टेंट प्रोफेसर ने पार्किंसंस में पुनर्वास संबंधी विषय पर प्रकाश डाला व नियमित इलाज पर जोर दिया। CMS डॉक्टर राजन भटनागर, डॉक्टर राजय कुमार सिंह प्रोफेसर विभागाध्यक्ष न्यूरोलॉजी विभाग ने रोगियों का उत्साहवर्धन कर संगोष्ठी की सराहना की। संगोष्ठी के अंत में रोगियों व उनके तीमारदारों के प्रश्नोत्तरी का भी आयोजन हुआ, जिसमें सभी रोगियों व तीमारदारों के रोग के विषय में सभी प्रकार की भ्रांतियों व शंकाओं का समाधान किया गया। CCTV 24 न्यूज चैनल से उप संपादक ऑल इंडिया सुनील चौरसिया की खास रिपोर्ट।